चलते हैं मिशन कर्नाटक पर, हैं गृह मंत्री अमित शाह। इस सोनिया जी ने, मोदी जी ने तो एक ही बार ट्राई किया और चंद्रयान लॉन्च हो गया। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। मेरी बात लिख भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी देश को एक नहीं रख सकती, एक कांग्रेस पार्टी देश को सुरक्षित नहीं रख सकती। मोदी जी ने 10 साल में करोड़ों गरीबों को घर का घर दिया, घर में बिजली दी, नल से पानी दिया, 5 किलो प्रति व्यक्ति फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज दिया, माताओं बहनों को शौचालय दिया, और सबसे बड़ी बात चिकोली वालों बताना, सभी का कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? भाई जरा हाथ ऊपर करो, को कोरोना का टीका लगा है? दोनों लगा है ना? 4 आना भी देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को कॉफी पिलाकर, मुफ्त में टीका लगाकर देश को कोरोना से सुरक्षित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अरे राहुल बाबा, उस वक्त कहते थे कि कोरोना का टीका मत लगाओ, ये तो मोदी टीका है। अच्छा है चिकोड़ी वाले उनकी सुनते नहीं है, सबने लगा दिया। फिर रात को राहुल बाबा भी अंधेरे में अपनी बहन को लेकर टीका लगाए। राहुल बाबा शर्म करो, शर्म करो, कोरोना जैसी महामारी में भी आप राजनीति करते हो। भाइयों और बहनों, एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है, और दूसरी ओर 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बावजूद एक भी आरोप जिस पर नहीं लगा, ऐसे नरेंद्र मोदी हैं। एक और 3 महीने में एक बार फॉरेन वेकेशन करने वाले राहुल बाबा है, दूसरी ओर 23 साल से दीपावली के दिन भी छुट्टी लिए बगैर देश के जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है। ये सबके बीच में आपको तय करना है, चुनना है। मुझे बताओ, आप अन्ना साहब झोले के सामने जो कमल का निशान है ना, इस पर बटन दबाओगे तो आपका वोट सीधे सीधा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आने वाला है। मुझे बताओ चिकोड़ी वालों, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जोर से बोलिए, दबाएंगे। अन्ना साहब आ गया हो, हमारे अन्ना साहब झोले को जिताओगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? 400 पार कराओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय, श्री राम जय, जय श्री राम। आप सभी का